In this video, we will discuss question number 3 from kinematics series. Question says, if a particle starting from rest has an acceleration with increase linearly with the time as a equal to 2t, then the distance traveled in third second will be question mark. तो question में हमारे पास acceleration दे रखा है जो टाइम के साथ लिनियरली वैरी करता है, ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम पोजीशन को निकालना चाहते हैं ताकि हम एक से लेकर 3 सेकंड पर और एक से लेकर 2 सेकंड तक का हम पोजीशन या डिस्टेंस को निकाल लें तो हम थर्ड का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन का इक्वेशन को बनाना चाहते हैं, तो ए को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, ठीक है। और इस dv को हम रोक लेते हैं इधर और dt को उधर भेज देते हैं, ठीक। यहाँ dt से इंटू हो जाएगा, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तो ऐसा t dt, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी, ये 2 कट जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन t अगर 0 रहेगा तो इसका v जो होगा वो u होगा और वो 0 के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में v की जगह पर 0 रखेंगे, t की जगह पर 0 रखेंगे तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा। Therefore, 0 equal to 0 का स्क्वायर प्लस c, that means what? That means c equal to 0. तो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी जो रहा वो v equal to रह गया t स्क्वायर, ठीक। अब वेलोसिटी से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी से हम इसका पोजीशन में कन्वर्जन कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में dx या ds निकाल लेते, ds लिख लेते हैं, तो ds by dt is equal to t square, ठीक। इसको आगे हम लिख सकते हैं हम लोग ds equal to t square dt, ठीक। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड में लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ठीक। तो यहाँ पर हो गया एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर और प्लस 1 और 2 प्लस 1 और प्लस सी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू 1/3 टी टू द पावर 3 और प्लस सी। तो जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास एस का आ गया, एस इक्वल टू आ गया 1/3 टी टू द पावर 3 प्लस सी, ठीक। अब जो है हम करते क्या, एक से लेकर 3 तक का डिस्टेंस इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एस इक्वल टू 1/3 और टाइम 3 लेना है, तो 3 का क्यूब और प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 इंटू 27 और प्लस सी। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 27/3 प्लस सी, तो ये हो गया S3। उसी तरह से S2 को अगर निकालेंगे तो टाइम को 2 डालेंगे, तो 1/3 इंटू 2 टू द पावर 3 और प्लस सी, तो ये डायरेक्टली 8/3 प्लस सी हो गया। तो हमको थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है उसको निकालना था। उसको क्या लिखेंगे, S3 - S2। तो यहाँ पर S3 जो है वो 27/3 प्लस सी है और माइनस 8/3 प्लस सी है, तो इसको लिखेंगे सी सी तो कैंसिल हो जाएगा, 27/3 -8/3, तो इसको लिखेंगे 19/3
3 मीटर। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड 19/3 मीटर।